ऑल राइट, मुझे पता है कि तुम्हारी आईडी बिल्कुल इसी तरह की होती है जहाँ पे तुम सिर्फ गोल्ड पे रहते हो पूरे सीजन। और इसका एक ही रीजन है कि भाई तुम्हारा जो गेम प्ले है ना वो अपडेटेड नहीं है। हमेशा गेम अपडेट होता है लेकिन तुम्हारा गेम प्ले अपडेट नहीं होता। लेकिन आज की वीडियो में तुम्हारा जो है ना सीएस रैंक का गेम प्ले अपडेट होगा। खाओ मां कसम। और वो कैसे होगा, कभी सोचा है, कभी किया है? कभी सोचा है? देखो बहुत सिंपल है, सीएस रैंक में अगर तुमको बहुत ज्यादा प्रो बनना है तुम्हें एक बेस्ट स्किल कॉम्बिनेशन लगानी होगी। सिंपल सी बात मैं समझा के, अरे भाई थक गया हूँ भाई। कंट्रोल। जैसा कि तुमको पता है कि मैं ग्रैंड मास्टर हर सीजन जाता हूँ, तो मेरे लिए तो आम बात है तुम लोगों के साथ एक्सपीरियंस शेयर करने की कौन सा बेस्ट स्किल कॉम्बिनेशन होगा। लेकिन हाल ही में मेरे कुछ दिमाग में ऐसा है कि भाई कुछ स्किल कॉम्बिनेशन बहुत ओवर पावर है स्पेशली फॉर रसर। तो भाई तुमको ये वीडियो देखनी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पहले स्किल कॉम्बिनेशन की जो रसर के लिए एकदम वरदान की तरह इस पूरे गेम में। देखो भाई सबसे पहले भाई तत्सुया सानी एंटोनियो एंड जस्टिन बीबर। तत्सुया का पता ही है तुमको बताने की जरूरत नहीं। सानी, जैसे तुम स्किल यूज करोगे कोई भी एक्टिव तुम्हारे 50 शील्ड पॉइंट एक्टिव हो जाएगी। एंटोनियो का 40 पता है। और बात रही जस्टिन बीबर की, भाई इसको एक्सप्लेन करने के लिए भाई तुमको सबसे पहले एक बात जान लो, अगर तुम इसे यूज करोगे तुम्हारा 12% डैमेज कम आएगा। अगर तुम ईपी यूज कर रहे हो 12% यानी 100 में से भाई सिर्फ और सिर्फ 88 का ही डैमेज लगेगा, 12 का डैमेज माइनस हो जाएगा इस तरीके से। और अलाई को भी अगर 12 मीटर के अंदर तुम्हारे जितने भी दोस्त रहे ना उनको भी यही फायदा मिलने वाला है। तो ये बहुत कमाल की चीज है। इसे ना एक क्लिप के साथ तुम्हें समझाता हूँ। सबसे पहले देखो तत्सुया लगाया और रस किया इसके ऊपर। रस करने के बाद देखो ओरियन बन गया। एक बार वापस तत्सुया लगाऊंगा और यहाँ देखो सानी भी एक्टिवेट हो गई है, मिल चुकी 290 की एचपी। अभी तो भाई कूद के आराम से मारूंगा इसको। ये देखो ये मारते रहेगा, मेरी एचपी नहीं जा रही, मैंने इसको मार दिया। अब दौड़ाते रहो इसको और ये मर जाता है यहाँ पे पूरी तरीके से। दूसरा क्लिप दिखाता हूँ जहाँ पे मैंने कोटरा किया है। जैसे कि मैंने यहाँ पे पहले वाले को मारा, मैंने सानिया लगाया, तत्सुया लगाया और सानी भी एक्टिवेट करके मार दिया। दूसरे वाले को भी हेडहेड मार दिया। हालांकि कुछ एचपी नहीं गई मेरी, कुछ भी नहीं गई यहाँ पे देख सकते हो। और दोनों को मैंने यहाँ पे पूरी तरीके से खत्म कर दिया। अब मैं वेट कर रहा हूँ तीसरे बंदे का। अगर तुम ध्यान से देखोगे ना तीसरा बंदा मेरे को जिस हिसाब से डैमेज देगा, लेकिन जो ईपी का मेरा जो कमाल होगा, ईपी मतलब समझ रहे हो, हमको सिखा दिया है, जो जस्टिन बीबर वाला कैरेक्टर है ये बहुत तगड़ा चीज है भाई। ये मेरे को 1v1 में कितना भी मार रहे लेकिन मैं मरूंगा नहीं। जैसे कि यहाँ देखो इसको लोकेशन ही नहीं पता, मैंने इसको मारा थोड़ा। अभी मैं इसके ऊपर रस करूंगा, मेरी एचपी देखो 290 से ऊपर हो चुकी है। कितना मार रहा है मेरे को, 90 की एचपी भी जाने में इतना टाइम लग चुका है। इसने अच्छा खासा धोया, यहाँ पे भी देखो क्या धोया है, लेकिन एचपी देखो सिर्फ 20 की गई है। और मैंने इसको मार के खत्म कर दिया, इतना मारा है उसने। एक बार फिर से देखो, तो ये है जस्टिन बीबर का कमाल। और साथ में तुम्हारे टीममेट को भी इसी तरीके से फायदा मिलेगा। अभी अगर कोई भी एनिमी को नहीं मार पाते कहते कि मर क्यों नहीं रहा, तुम ध्यान से देखना ईपी लगी होगी उसकी और वो बहुत कम डैमेज खा पाता है। और इसी के साथ जो अगला स्किल कॉम्बिनेशन है वो भी इससे भी ऊपर लेवल का होने वाला है, जो इसका अलाई यूज करेगा। अलाई मतलब इसका टीममेट। स्किल कॉम्बिनेशन नंबर 2 जहाँ पे कि हम सभी लोग बात करेंगे इसके अलाई के कॉम्बिनेशन की। तो देखो जो भी अगर तुम भी यूज कर सकते हो, किसी को बोलो तुम ईपी यूज कर लो, बस करना क्या सेम वही स्किल कॉम्बिनेशन रखनी है, सेम वही। बस तुमको ना यहाँ पे एंड्रू इलीट लगा लेना है, जो कि भाई 15% कम कर देगा और साथ में हर टीममेट से 5% और डैमेज कम कर देगा। टीममेट को भी फायदा मिलता है ना इस वाले स्किल कॉम्बिनेशन से, क्या बोलूं, डेडली कॉम्बिनेशन है। ईपी वजह से 12% कम डैमेज और इसकी वजह से हर टीममेट को 5% कम और तुमको भाई 15% कम। अरे भाई भाई क्या बोलूं भाई, कोई मार ही नहीं पाएगा तुम लोगों को। और क्लिप के थ्रू तुम लोग देख सकते होगे कि भाई किस तरीके से मैंने इसको हेड मारा। अभी हालांकि यहाँ तो मैं लॉन्ग में फाइट ले रहा हूँ लेकिन अभी क्लोज में देखना, वो लोग मारते रह जाएंगे, उनकी गोलियां जो है ना रिलोड पे आ जाएगी, लेकिन भाई तुम मरोगे नहीं, इतना डेंजरस कॉम्बिनेशन है। जैसे कि तुम देख सकते हो मेरे पास MP5 है और यहाँ पे एंड्रू मेरा चल ही रहा है, मेरे पास वेस्ट अच्छी खासी है। मैंने यहाँ पे मारा, देखो पीछे से कितना मारा, अभी मैं मर जाता लेकिन मैंने जल्दी से ऑन करके उल्टा इसको मार दिया यहाँ पे देखो जाके। और मारने के बाद मेरी एचपी देखो अभी भी कितनी ज्यादा है ईपी की वजह से। गाइस देखो मैं बच तो नहीं पाया, मेरे को डैमेज पड़ा है लेकिन गाइस वेस्ट की वजह से मैं बच गया वहाँ पे। ईपी अगर होता, अगर कोई टीममेट साथ में होता तो भाई और फायदा रहता हम सभी लोगों को। यहाँ पे देखो इसकी वजह से मेरे को मारा और मैंने इसको खत्म कर दिया। अभी मैं तुमको 1v1 दिखाता हूँ। मैं ना एक बंदे को ना वॉल में पैक करता हूँ, अभी मैं इसको मार दे दूंगा, ठीक है, हल्का सा डैमेज दिया, अभी इसको मार दे दो। देखो कितना मुश्किल से मारता है, लेवल 4 की वेस्ट पे भाई पूरी रिलोड पे आ गई। तो इतना ओवर पावर है भाई कैरेक्टर स्किल और टीममेट को भी फायदा देगा। तो ये कैरेक्टर स्किल जरूर यूज करना। और दूसरी बात मैं तुम सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि भाई मैं लाइव कर रहा हूँ, मैं रीजन करने वाला हूँ इस सीजन भी, तो प्लीज अब मुझे लाइव पे आके मुझे थोड़ा सपोर्ट करो। अगर तुम सभी लोग को थोड़ा भी लगता ना कि भाई ये बंदा ग्रैंड मास्टर नहीं जाता वगैरह, तो देखो अमर उजैन लाइव करके जो है मैंने कमेंट कर रखा है, पिन भी कर रखा होगा, उस पर क्लिक करके मेरे चैनल पे आ जाना, बहुत खुशी होगी। और लाइव होऊंगा मैं, ठीक है, वीडियो डालने के बाद आज मैं बहुत लाइव करने वाला हूँ। हालांकि अब हम जो है ना अगले स्किल कॉम्बिनेशन पे बढ़ेंगे। ये स्किल कॉम्बिनेशन तो बहुत ओवर पावर है रसर्स के लिए। दो बंदे अगर टीममेट में ये लेके खेलेंगे भाई एक टीम डोमिनेट करेगी, डेफिनेटली बता रहा हूँ। और ये भाई टीममेट को भी सानी देता है 12% मतलब 12 मीटर के अंदर, और ये ईपी वाला भी 12 मीटर के अंदर। तो भाई जो टीममेट को फायदा मिले ना वो स्किल कॉम्बिनेशन यूज करोगे डेफिनेटली तुम्हारी टीम जीतने वाली है। तो बढ़ेंगे गाइज अपने स्किल कॉम्बिनेशन नंबर 2-3 की तरफ, माफ करना 2 बोल दिया मैंने। तो स्किल कॉम्बिनेशन नंबर 2 तुम्हारे स्क्रीन के सामने ये, और ये स्किल कॉम्बिनेशन सबसे
सबसे बेस्ट होने वाला है, इन दोनों को भी पीछे छोड़ देगा, वो क्या होने वाला है? मेरा फेवरेट क्लासिक स्किल कॉम्बिनेशन जो मैं बहुत सीजन से यूज कर रहा हूँ, ध्यान से देखो, एंटोनियो A124, लूना की एबिलिटी पता है, ओथो की एबिलिटी पता है, मैंने हजार बार बता रहा कि नहीं पता कोई बात नहीं, क्लिप में भी दिखा देता हूँ। ये क्लिप अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे तो सबसे पहले तो भाई रेट ऑफ फायर की वजह से मैं बहुत तेजी से गन चला पाता हूँ, यहाँ पे जीएम यूनिट जैसी गन की रेट ऑफ फायर बढ़ जाती है, मैं हेड मार पाता हूँ। रेट ऑफ फायर बढ़ेगी तो डेफिनेटली हेड तो पड़ेगा, 15% तक लूना रेट ऑफ फायर बढ़ा देती है। देखो रेड रेड साइन जो नीचे आ रहा है, ऊपर से 40 की जो एंटोनियो रहती है तो भाई तुम्हारी एचपी नहीं जाएगी, वो बार बार मारेंगे एंटोनियो अपने आप रिकवर कर लेगा, मतलब एक तरीके से ये है। और दूसरी चीज का इस क्लोज में भी देखो तुम्हारा कितना कम जाए, और लूना है, हेड मारा और इसको भी नॉक कर दिया तुम लोगों ने, दो नॉक निकाल लिए तुमने आराम से, ये भी चीज कर सकते हो। अब मैं तुम सभी लोगों को ना ओथो का फायदा दिखाने वाला हूँ। देखो अभी यहाँ पे मैंने वॉल लगाया और एक लूना का डिसएडवांटेज भी दिखाऊंगा, पहले किल करने के बाद 15% रेट ऑफ फायर कम हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाता है किसी, जैसे मैंने यहाँ पे पहला जो है ना सोनिया निकाला, नॉक किया, अब देखो यहाँ पे ग्रीन आ गया, यानी 15% कम हो गया, जैसे मैंने इसको मारा मैं नॉक हो गया, 15% रेट ऑफ फायर उल्टा कम हो जाता बढ़ने की जगह, तो ये बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात हो जाती है। ठीक है, तो कोई फायदा नहीं रहता, लेकिन एक बंदे को मार के भागने के लिए ठीक है, तो ये चीज बता देता हूँ। और ओथो की वजह से सब स्लो हो जाते हैं, ओथो का मैं एक और क्लिप यहाँ पे दिखाता हूँ। जैसे कि तुम देख सकते हो कि मेरे पास स्किल ब्लॉकर है, सामने एक बंदा आ रहा है और मैं इसको मार रहा हूँ, यहाँ से देखो कैसे क्लच निकालूंगा मैं एक बंदे को ना, देखो यहाँ पे मारता हूँ, स्किल ब्लॉकर भी मारूंगा, थोड़ा डैमेज दिया, स्किल ब्लॉक मारने का टाइम है किया, और ये देखो स्किल ब्लॉक हुआ, इसको नॉक किया, अब तीनों की लोकेशन आ गई ओथो की वजह से, तीनों स्लो हो गए होंगे, जैसे कि मैंने बोला स्लो कैसे हो जाते हैं हजार बार बता रखा है तुमको, अच्छे से पता ही होगा। अब तीनों स्लो हो गए, अब अंदर जाते सबकी लोकेशन पता है, थोड़ा थोड़ा डैमेज, और टीममेट जो है आ जाएंगे ऑटोमेटिकली और तुमको बचाने लगेंगे, और वो भी मार के थोड़ा सा जीतने की ट्राई करेंगे। ओथो का तो ये भी फायदा कि अगर तुम नॉक भी हो जाते हो ना तो भी तीनों स्लो हो जाएंगे और तीनों की मोको लग जाएगी, लोकेशन आ जाएगी, इतने फायदे मैंने हैं। इस वजह से मैं इसे यूज करता हूँ स्किल ब्लॉक करके मारने के, जैसे कि यहाँ पे देखो मैंने स्किल ब्लॉक किया, वहाँ पे एक नॉक हो गया, तीनों की लोकेशन होती हुई, जैसे तीनों स्लो हो गए। अब रस करने का अच्छा तरीका था, नहीं तो ग्रेनेड मारो या टीममेट कोई नेडर हो तो वो भी लोकेशन जान ले तो भाई वो भी मार देगा, तो सब फायदा एक तरीके से, वन ऑफ द बेस्ट स्किल कॉम्बिनेशन है ये। तो गाइज आई होप तुमको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी, मैं तो कहूंगा कि तुम पहला वाला और तीसरा वाला यूज करो, दूसरा वाला तो भाई मुझ पे छोड़ दो, आज स्किल कॉम्बिनेशन यूज करके दिखाऊंगा मेरी वीडियो में, देखना तुम, मतलब लाइव में, अमर उजन लाइव पे करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।